हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल. वेलकम टू साइन क्लास विच इज अ पार्ट ऑफ टीच मोर. हेलो गाइस, आज हम लोग यहाँ पे जुलाई मंथ के सारे वो इम्पोर्टेंट डे पढ़ेंगे जो किसी ना किसी रूप में सेलिब्रेट किए जाते हैं. ओके, उम्मीद है मेरी आवाज आप लोगों को आ रही होगी. ओके, चलिए हम लोग यहाँ पे फटाफट से क्लास को खत्म करते हैं. तो जुलाई मंथ है. जुलाई मंथ में बहुत सारे ऐसे डे आते हैं जिसको हम लोग इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर सेलिब्रेट किया जाता है. तो यहाँ पे हम जैसे 1 जुलाई देखते हैं, तो 1 जुलाई यहाँ पे पोस्टल वर्कर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. और इसी तारीख को एक और डे सेलिब्रेट किया जाता है जिसे हम लोग नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाते हैं. डॉक्टर्स डे हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं. तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कि नेशनल पोस्टल वर्कर डे ये उन लोगों के लिए है जो हमारे लिए डाक व्यवस्था को आज तक कंटिन्यू बना के रखे हुए हैं. तो ये जो डे सेलिब्रेट किया जाता है उनको थैंक्स बोलने के लिए वो सेलिब्रेट किए जाते हैं. जो इसमें महिला और जो भी पुरुष जुड़े हुए हैं उनको ये धन्यवाद और उनको प्रोत्साहित करने के लिए डे सेलिब्रेट किया जाता है. और नेशनल डे जो है वो डॉक्टर को यहाँ पे मोटिवेट करने के लिए किया जाता है, जिससे आप जानते हैं कि कोरोना काल में डॉक्टर्स नर्सेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है. हमारे भारत के अलावा पूरे विश्व में देखें तो डॉक्टर्स का बहुत बड़ा यहाँ पे योगदान रहा है. तो उनको थैंक्स बोलने के लिए या फिर उनको मोटिवेट करने के लिए ये डे यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे 2nd जुलाई. 2nd जुलाई जो हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं वो वर्ल्ड UFO डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. इसके अलावा हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं. वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे के रूप में यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है. इसके अलावा यहाँ पे हम जोड़ देंगे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट. स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट के रूप में ये डे सेलिब्रेट किया जाता है. इसके अलावा ये इंटरनेशनल इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में ये डे सेलिब्रेट किया जाता है. यहाँ पे जो UFO है ये डे 2001 से मनाया जा रहा है. और यहाँ पे खास करके ये इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए कि जैसे अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं के लिए आकाश स्कैनिंग में लोगों के बीच जागरूकता पैदा की जाती है. मतलब ये जो पहल किया गया है वो स्पेशली उन वस्तुओं के लिए किया गया है जैसे हम लोग देखते हैं कि पैराशूट वगैरह है वो उड़ाए जाते हैं. तो उनके लिए ये जो बहुत सारी जागरूकता होती है उनके बारे में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं वो इसी डे में मनाते हैं. नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग 3rd of July सेलिब्रेट करते हैं नेशनल फ्राइड कार्म डे के रूप में. नेशनल फ्राई कार्म डे के रूप में यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं जो कि ये किसके लिए मतलब अटेस्ट है. तो ये फ्राइड क्लेम या ब्रेड क्रैम्प में लेप करने के लिए या फिर आगे स्ट्रिप करने के बाद जो क्लेम को डीप फ्राई करके मतलब एक्चुअली बोल सकते हैं कि जो चीजें हम लोग तलकर खाते हैं, ठीक है, तलकर खाते हैं, ये उनके लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है. जैसे स्नैक्स वगैरह हुआ हम लोग बहुत ज्यादा इसको तेल में फ्राई करके यूज करते हैं तो इसलिए इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, देखा जाए तो एक प्रकार से ये हमारे लिए क्या है, एक ट्रेडिशनल हम लोग का ये त्योहार बोल सकते हैं या फिर एक तरीका है जहाँ पे हम लोग कोई चीज को भून कर खाते हैं. नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे 4th of July. यहीं पे देख लेते हैं 4th of July सेलिब्रेट किया जाता है अमेरिकन इंडिपेंडेंट डे के रूप में. ठीक है, अमेरिकन इंडिपेंडेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे 6th of July जो कि हम लोग यहाँ पे जूनॉटिक डे के रूप में वर्ल्ड जूनॉटिक डे के रूप में यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं. ये उसलिए सेलिब्रेट किया जाता है जिसमें जो भी जैसे डिजीज है वो जानवरों से लेकर इंसानों में जो फैलते हैं, ठीक है, उनके लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है. मतलब इनके जागरूकता के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है 6th of July. नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे 11th of July जहाँ पर हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं.
आज तक आपको पता होगा कि वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो सबसे अधिक पॉपुलेशन कहाँ पर है, चाइना में है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन है, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे इंडिया है। लेकिन कुछ समय के बाद एक रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि कुछ समय के बाद इंडिया चाइना को पीछे छोड़ने वाला है। ओके, तो यहाँ पे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11th of July को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे 12th of July, जहां पर हम लोग मलाला डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आपको पता होगा कि मात्र इन्होंने 14 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार यहाँ पे पाया था। हमारे देश में जो मतलब अक्सर देखा जाता है कि जो महिलाएं होती है या फिर जो मतलब गर्ल चाइल्ड होते हैं, उनको शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा रोक टोक है या बहुत ज्यादा वहाँ पे एक ट्रेडिशनल रूप में मना ही है, ठीक है। लेकिन ये केवल भारत में ही नहीं था, बल्कि ये दूसरे देशों में जैसे कुछ मुस्लिम कंट्री में भी ये चीज देखा गया है कि जहाँ पे लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है, शिक्षा से दूर रखा जाता है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में मलाला यूसुफजई ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। ये एक 16 वर्षीय पाकिस्तानी लड़की है जिन्हें जिन्होंने अपना पूरा पूरा योगदान दिया, और इनके बर्थडे के दिवस पर 12th of July को यहाँ पे मलाला डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये काफी लोगों का प्रोत्साहन भी बनी है, और अपनी भाषण के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा ये लड़कियों को काफी ज्यादा मोटिवेट करती है, ठीक है। इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, और हमारे देश में जो कल्याण सत्यार्थी जी हैं उनके साथ में ही इनको नोबेल अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे 15th of July, जहां पर हम लोग वर्ल्ड यूथ स्किल डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। जैसे हिंदी में क्या कहेंगे, विश्व युवा कौशल दिवस, ठीक है, जहाँ पे युवाओं को व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा और कुशल पेशेवर बनाने के लिए एक प्रकार से शिक्षा यहाँ पे दी जाती है, और साथ ही साथ उनको मोटिवेट भी किया जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे 17th of July, जहाँ पर हम लोग वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस के रूप में यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ये आपको पता होगा कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की उभरती हुई प्रणाली आवश्यकताओं को पहचानने के लिए हर साल 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है, और ये विश्व लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 18th of July, जो कि नेल्सन मंडेला डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और ये गांधी जी के काफी ज्यादा करीबी थे। ऐसा कहा जाता है कि ये पहले ऐसे ब्लैक मैन थे, ठीक है, ये एक ऐसे पहले ब्लैक मैन थे जो गोरों के नेता बने, ठीक है। तो देखिए, चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं। नेल्सन मंडेला के जीवन को याद करने के लिए हर साल 18 जुलाई या 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस के रूप में यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं 20 जुलाई, जहाँ पे इंटरनेशनल चेस डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि सबसे फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन थे? मैं बता दूं, विश्वनाथ आनंद जी थे, ठीक। विश्वनाथ आनंद जी सबसे फर्स्ट ग्रैंड मास्टर थे। अभी लेटेस्ट में कौन है, सबसे लेटेस्ट में तो अभी कौन है, प्रणव, ठीक है, प्रणव है। और बता दें आपको कि सबसे ज्यादा जो ग्रैंड मास्टर भारत से है वो कौन से राज्य से है, तो वो तमिलनाडु राज्य से है। ओके, यहाँ पे देखिए 20 जुलाई विशेष दिन है, जो अब हम क्या देखते हैं, क्यों क्यों मानते हैं, क्योंकि 1924 में पेरिस में अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना को याद करने के लिए ये दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। मेरा सवाल आपसे, क्या बता सकते हैं कि ये चेस किस देश में जन्म लिया, ठीक है, किस देश से शुरू किया गया, कौन से कंट्री से शुरू किया गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 1966 में FIDE द्वारा स्थापित किया जाने वाला, और बाद में इसे हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल चेस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ओके, आगे हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे
26 जुलाई यहाँ पे कारगिल विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये युद्ध हुआ था 1999 में। आपको याद होगा यहाँ पे बहुत ऐसे हमारे देश के जवान थे जो शहीद हो गए थे, तो उनको यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे हम लोग यहाँ पे कारगिल विक्टोरी डे या फिर कारगिल विजय दिवस के रूप में यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये युद्ध कितने दिनों तक चली थी? तो यहाँ पे 60 दिनों तक ये युद्ध चली थी, और 26 जुलाई को ये जो युद्ध था ये समाप्त हो गया था, इसमें भारत की विजय हुई। देख सकेंगे हम लोग यहाँ पे 23 जुलाई नेशनल पेरेंट्स डे के रूप में यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे अभिभावक दिवस के रूप में ये डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, अपने अपने मतलब पेरेंट्स के यहाँ पे जो प्यार है, जो बलिदान है, जो उनको सम्मानित करने के लिए ये डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 23 जुलाई को। 28 जुलाई जहाँ पर हम लोग यहाँ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहले आयोजित हुआ था, बाद में ये 28 जुलाई को 2010 से सेलिब्रेट किया जाने लगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 29th ऑफ जुलाई यहाँ पे इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और ये इसलिए सेलिब्रेट होता है ताकि बाघ के संरक्षण मतलब टाइगर कंजर्वेशन किया जा सके, और उसके उसके साथ जुड़े हुए जो जागरूकता है उनको बताने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए या जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ये सबसे पहले सेंट पीटर्सबर्ग में एक समिट हुआ था, और वो समिट 2010 में हुआ था, तब से ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। स्पेशली जो टाइगर्स हैं उनके रख रखाव के लिए, उनके नेचुरल इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है, ये डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। लास्ट एंड लास्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे 13th ऑफ जुलाई जहाँ पे हम लोग वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। जहाँ पे मतलब खैर इसके बारे में क्या बताना है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। इसके बारे में क्या बताना है कि वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे क्या होती है, फ्रेंडशिप क्या होती है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा चर्चा ना करते हुए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और क्लास को समाप्त करते हैं। तो फिर कैसा लगा आपको मेरा क्लास, कैसा लगा आपको ये टॉपिक, प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार से मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ वर्ड जरूर लिखे, ताकि हम और भी क्लासेस आपको यहाँ पे ला के दे सके। एक्चुअली ये क्लास जो हुई है बहुत दिनों के बाद हुई है, क्योंकि जो टीचमोर ऐप है उसमें बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्लास को इतना दिन तक डिले करना पड़ा। तो अब नेक्स्ट टाइम से ये कंटिन्यू टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों को क्लासेस मिलती रहेगी, तो प्लीज क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जितने भी टॉपिक यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं वो सबको नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।